पश्चिम बंगाल में आज पांचवें चरण में 45 सीटों के लिए वोटिंग जारी। किस सीट के आरएसपी प्रत्याशी की कोरोना से हुई मौत और पीएम की आज बंगाल में कहां कहां जनसभाएं हैं, बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों की 45 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मतदाता शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नॉर्थ 24 परगना की 16, पूर्वी बर्धमान और नदिया की 8-8, दार्जिलिंग की 5, कलिंगपोंग की 1 और जलपाईगुड़ी जिले की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 1,13,00,000 से ज्यादा वोटर्स 342 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में हो रहे पांचवें चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 853 कंपनियों को तैनात किया है। चुनाव आयोग ने सभी बूथों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। सितलकुची कोली कांड के बाद आयोग ने सुरक्षा और बढ़ा दी है। आज 15,789 बूथों पर मतदान हो रहा है। पांचवें चरण में बंगाल के कई प्रमुख चेहरों की साख दांव पर है। आज ममता कैबिनेट के कई मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस पर्णो मित्रा को बीजेपी ने बारा नगर से चुनावी मैदान में उतारा है। पर्णो मित्रा पहली बार चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कैंपेन पर पाबंदी रहेगी। मतदान की तारीख से 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाएगा, जबकि पहले 48 घंटे पहले प्रचार रोका जाता था। आयोग ने यह फैसला सर्वदलीय बैठक के बाद लिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। मुर्शिदाबाद की जंगीपुर सीट से आरएसपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार नंदी की कोविड से मौत हो गई। नंदी बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं हुगली के चुनचुड़ा से उम्मीदवार असित मजूमदार और माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी आनंदमय बर्मन संक्रमित पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोविड वॉरियर्स ने पीपीई किट पहनकर लोगों को जागरूक किया। ये जागरूकता अभियान विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के चुनाव से एक दिन पहले चलियर्स ने लोगों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की। इनमें ज्यादातर ई रिक्शा चालक हैं। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के आसनसोल और गंगारामपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रैली में लोगों के बैठने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत इंतजाम किए गए हैं। आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। गृहमंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। शाह आज 2 रैलियों को संबोधित करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे। गृहमंत्री एक टाउन हॉल मीटिंग को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाह की पार्टी संगठन के लोगों के साथ एक अहम बैठक होगी, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगी। ममता सुबह 11 बजे कटवा में, दोपहर 12 बजे दक्षिण पूर्व स्थल में और दोपहर 1 बजे गलसी में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इस दौरान उनके निशाने पर बीजेपी ही रहेगी।